हाई एवरी वन दिस इज जाता फ्रॉम सेल्व कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक सी डी एस एस्पिरंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी डी एस के एग्ज़ाम में टेन क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज ऑल वर्ड्स आर डिडेड इन टू सर्टन कैटेगरीज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश में और किसी भी लैंग्वेज में सारे वर्ड्स किसी न किसी कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं और उन्ही कैटेगरीज को क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल वर्ड्स आर डिवाइड इन टू certain categories called parts of speech according to their use is का मीनिंग थोड़ी देर में समझते हैं पहले ये समझते हैं कि ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन कैटेगरीज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कि जितने भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर आते होंगे इसे क्या समझ में आता है कि एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच ठीक है अकॉर्डिंग टू द यूज यूज का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि द रोल अ वर्ड प्लेस इन अ सेंटेंस डिसाइड्स विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज कह रहे हैं कि जो वर्ड जो रोल एक वर्ड प्ले करेगा एक सेंटेंस में वही डिसाइड करेगा कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है कि हम जनरली पहले फिक्स नहीं कर सकते कि ये वर्ड नाउन है ये वर्ड एडजेक्टिव है ये वर्ड एडवर्ब है ये सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करेगा सेंटेंस पढ़कर ही डिसाइड किया जा सकता है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है तभी डिसाइड होगा कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ठीक है चलिए तो फिर वो कौन सी कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग देयर आर एट पार्ट्स ऑफ एट पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है एट पार्ट ऑफ स्पीच है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर कौन कौन से है वो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction, Interjection First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh. एट ठीक है ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं एट कैटेगरीज होती हैं जिनमें वर्ड्स डिवाइडेड होते हैं तो वो एट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं नाउन पर नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन इन्हीं को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नाउन से नाउन नाउन की क्या डेफिनेशन होती है नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम अ प्लेस पर्सन और थिंक एंड फ्राम थिंक वी मीन एवरी थिंग वॉट एवर वी कैन परसीव और परसीव नॉट थ्रू आर सेंसेस जो हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं वो भी जो हम प्रसीव नहीं कर सकते यानी कि सिर्फ सोच सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसमें इंक्लूड होगा लाइक विजडम हो गया ऑनेस्टी हो गया करेज हो गया हम इन्हें अपनी फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते टच नहीं कर सकते पर इन चीज़ों uh, के बारे में हम सोच तो सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है uh, किस में आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ठीक है सो थिंक का मतलब एवरी ठीक है तो नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम A place, person or thing, ठीक है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं अकबर वॉज अ वाइज किंग तो यहां पर ये जो अकबर है वो हम किसी स्पेसिफिक किंग की बात कर रहे हैं तो जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो वो क्या है प्रॉपर नाउन ठीक है किसी का नाम है तो ये क्या हुआ उन यहाँ पर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी किंग है उन सबको हम कॉमनली किंग अप्लाई कर सकते हैं तो ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये क्या है कॉमन नाउन ठीक है चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज टू रिप्लेस ए नाउन जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करे उसे क्या कहते हैं प्रोनाउन ठीक है प्रोनाउन इज यूज रिप्लेस अ नाउन जैसे पिछला सेंटेंस था अकबर वाज़ अ वाइस किंग अगर मैं फर्दर उस पे दो चार सेंटेंसेज लिखूं और बार बार अकबर यूज करूं तो वो पढ़ने में बोरिंग लगता है पर अकबर की जगह अगर मैं कुछ वर्ड यूज करूँ तो वो क्या कहलाएगा प्रोनाउन जैसे सेंटेंस सेंटेंसा अकबर वॉज अ वाइस किंग ही सीडिड हिज फादर सक्सेडेड हुमायूं। तो यहाँ पर जो ही वर्ड है वो किसे रिप्लेस कर रहा है अकबर को और जो ही है उसे मीनिंग कौन दे रहा है हमें किससे पता चला कि ही का मीनिंग क्या है अकबर से तो अकबर को क्या बोलेंगे कि वो ही का क्या है एंटीसीडेंट ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाया था एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश टेस्ट लेवल ठीक है एंटिसिडेंट वो वर्ड होता है जो उस वर्ड को मीनिंग देता है जो उसे रिप्लेस करता है अब देखो अकबर को कौन रिप्लेस कर रहा है ही तो ही को मीनिंग कौन दे रहा है हमें कौन कैसे पता लगा कि ही किसके लिए यूज हुआ है अकबर से तो अकबर ही का क्या हुआ एंटिसिडेंट ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच था हमारा एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव इज यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन ठीक है Adjective. Adjective अब जैसे वही सेंटेंस अगेन अकबर वॉज किंग तो यहां पर ये जो किंग वर्ड है वो क्या है नाउन है हमने पहले डिस्कस किया कौन सा नाउन था कॉमन नाउन था तो ये जो वाइज वर्ड है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है क्वालिफाई करने का मतलब है कि किसके कि लिए यूज हुआ है किसे ये मॉडिफाई कर रहा है किसके बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो किंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कैसा किंग वॉइसकिंग तो वाइस जो है वो नाउन के लिए यूज हुआ है ठीक है इसलिए ये क्या कहलाएगा एडजेक्टिव समझ में आया इन सारे ही टॉपिक्स को हम डिटेल वाइज इनकी सब टाइप्स और इनके रूल्स जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं वैसे क्वेश्चन ये सारे हम टॉपिक वाइज करेंगे अभी हम सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव हो गया हमारा वर्ब वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है हमने वर्ब को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था बेसिक ग्रामर पार्ट वन में जहाँ पे हमने फिनाइट नॉन फिनाइट वर्ब्स डिस्कस की नॉन फिनाइट की आगे फर्दर टाइप्स इनफिनेटिव जिन्ह पार्टिसिपल फिर ट्रांजिटिव एंड ट्रांटिव वर्ब्स भी डिस्कस की पर अकॉर्डिंग टू तो दिस डेफिनेशन अगर हम वर्ब को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो कौन सी हो सकती हैं डायनेमिक और स्टेटिव डायनामिक वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई एक्शन होता हुआ नजर आए यानी कि एक्शन वर्ब्स जैसे आई रोट अ लेटर टू माय मदर आई रोट अ लेटर टू माय मदर तो यहां पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ रोट का ठीक है तो रोड क्या हो गई एक्शन वर्ब एक्शन वर्ब होने की वजह से ये कौन सी वर्ब है ठीक है समझ में आया क्लियर है चलिए अब बात करते हैं स्टेटिव वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं विच डिस्क्राइब सिचुएशन दैट रिमेंस अनचेंज्ड और स्टैटिक थ्रू आउट द एंटायर ड्यूरेशन ठीक है स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो एक सिचुएशन को डिफाइन करती हैं एक एक्शन को नहीं एक्शन को डिफाइन करने वाली डायनामिक वर्ब होगी और सिचुएशन को डिफाइन करने वाली क्या होगी स्टेटिव वर्ब और वो सिचुएशन वैसे की वैसी ही रहती है थ्रू आउट द इंटायर ड्यूरेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ आई एम अ डॉक्टर ठीक है या बोलूँ आई ओन अ कार ये मैं बोलूं आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स तो इसमें इन तीनों ही सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो कैसी वर्ब्स यूज हुई हैं स्टेटिव वर्ब्स क्योंकि इनमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं जो थ्रू आउट द एंटायर ड्यूरेशन क्या है सेम ही है कि, कि मैं डॉक्टर हूं ठीक है मेरे पास एक कार है आई ओन अ कार ठीक है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स तो इनमें कुछ बदल नहीं रहा कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा तो ये कैसी वर्ब्स है स्टेटिव वर्ब्स समझ में आया तो वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट क्लियर है चलिए आगे चलते हैं एडवर्ब 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 इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव वर्ब Or another adverb, okay? Adverb is a word used to qualify an adjective, verb, or another adverb. पहले इतने बात को डिस्कस करते हैं देखो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता था उसे क्या बोलते थे एडजेक्टिव पर लेकिन जो वर्ड एडजेक्टिव वर्ब या अनदर एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा उसको मॉडिफाई करेगा उसके लिए यूज होगा उसे क्या बोलेंगे एडवर्ब चलिए इस एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं जैसे एडजेक्टिव ले लेते हैं पहले दिस इज अ Very beautiful flower. तो फ्लावर क्या है नाउन अब उस फ्लावर की क्वालिटी है कि वो ब्यूटीफुल है पहले ही बताया था कि जो नाउन की क्वालिटी बताए उसे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव तो ब्यूटिफुल क्या है एडजेक्टिव आगे फर्दर कह रहे हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल है वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी वर्ड जो है वो किसे मॉडिफाई कर रहा है किसे क्वालिफाई कर रहा है किसके लिए यूज हुआ है ब्यूटीफुल के लिए ठीक है वेरी ब्यूटीफुल यानी कि वेरी क्या हुआ एडवर्ब हुआ कौन सा एडवर्ब हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री ठीक है तो यहाँ पे वेरी जो है एडवर्ब है और किसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव तो हमने एडजेक्टिव का एग्जाम्पल कर लिया चलिए अब हम वर्ब का एग्जाम्पल करते हैं जैसे मैं बोलू ही वर्क हार्ड ठीक है वो कैसे काम करता है हार्ड ठीक है तो यहां पे वर्क्स क्या है वर्ब है जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है एडवर्ब तो हार्ड भी क्या हुआ एडवर्ब ये कौन सा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे का आंसर करता है वो कैसे काम करता है मैनर क्या है उसकी हार्ड ठीक है तो क्या हुआ आगे डिस्कस करते हैं क्या बचा एडवर्ब अब इसी सेंटेंस में देखो अगर मैं वेरी ऐड कर दूं ही हार्ड तो works तो वर्ब था ही ठीक है हार्ड हमारा एडवर्ब था तो आगे अब मुझे बताओ ये वेरी किसके लिए आ रहा है हार्ड के लिए हार्ड तो खुद एडवर्ब था तो जो वर्ड दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी क्या होता है एडवर्ब वेरी क्या है ऊपर भी हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे भी क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है कि कितना वेरी वेरी हार्ड ठीक है तो वेरी यहाँ पर अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए क्या है एडवर्ब ये डेफिनेशन क्लियर हुई चले आगे एडवर्ब के बारे में समझ लीजिए कि जनरली तो ये एडजेक्टिव को वर्ब को और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है बट कभी कभी ये प्रिपोजिशन को कंजंक्शन को और होल सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है ठीक है एडवर्ब जनरली किसी एडजेक्टिव को वर्ब को या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है को मॉडिफाई करता है, उसके लिए यूज होता है पर लेकिन सम टाइम्स कभी-कभी आप किसी सेंटेंस में देखेंगे कि वो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है या फिर पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है चलिए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन का जैसे uh, Car just at the gate. Similarly, the kite is hovering exactly over my head. इन दो एग्जांपल्स में देखिए शी पार्क द कार जस्ट एट द गेट तो ये जो जस्ट वर्ड है और जो एग्जैक्टली exactly वर्ड है वो किसे मॉडिफाई कर रहे हैं प्रेपोजिशंस को एट और ओवर ठीक है उसने कहा कार पार्क कर दी जस्ट एट द गेट ठीक है तो जस्ट गेट एट को मोडिफाई कर रहा है एट प्रेपोजिशन है यहाँ पे काइट कैसे uh, रहा है? Exactly over the head. तो ये over को क्वालिफाई कर, exactly तो कर रहा है इसलिए ये क्या है जस्ट और एग्जैक्टली क्या है फोकसिंग एडवर्ब क्योंकि ये एक क्लोज के पर्टिकुलर पार्ट part पे फोकस कर रहे हैं ठीक है एट द गेट पार्ट पे फोकस हो रहा है ओवर माय हेड पार्ट पे फोकस हो रहा है इसलिए ये क्या है फोकसिंग एडवर्ब ठीक है चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन डिस्कस करते हैं कि कैसे uh, कभी कभी एडवर्ब जो है वो कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है जैसे मैं सेंटेंस लिखूं ही लाइक्स सिंपली बिकॉज़

दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है ही लाइक्स हर अपने आप में कंप्लीट है यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है ठीक है सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर कंसाइंस जो वर्ड जो क्लॉज है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए फर्स्ट पार्ट पे क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर विजन वॉट क्लियर नहीं हो रहा इसलिए ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज वो क्या है मेन क्लॉज तो बीच में विकॉज जो है वो कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन हुई सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो क्लॉजे को जोड़ रही है ठीक तो है तो विक यहाँ पे कंजंक्शन है ठीक है और सिंपली किसे क्वालिफाई कर रहा है कंजंक्शन को कंजंक्शन के को क्वालिफाई करने की वजह से क्या है एडवर्ब अब देखते हैं कि कैसे कभी कभी एडवर्ब जो है वो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है जैसे मैं लिखूं, fortunately, no one was hurt in the accident. तो fortunately जो शब्द है, पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है, no one was hurt in the accident. तो यहां पर फॉर्चुनेटली जो वर्ड है नो वन वर्स हर्ट को क्वालिफाई करने की वजह से पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करने की वजह से क्या कहलाएगा एडवर्ब सिमिलरली अगर मैं लिखू नेचुरली सचिन प्लेड वेल well. ठीक है तो यहां पे भी नेचुरली जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है पूरे ही सेंटेंस को सचिन वेल well. तो यहाँ पे नेचुरली भी क्या है फॉर्चुनेटली भी क्या है एडवर्ब तो एडवर्ब कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं तब आ, वो वर्ड जो वर्ड पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई करे ठीक है उसे क्या बोलते हैं एडवर्ब क्लियर है, है? चलिए आगे चलते हैं इन सबको हम और डिटेल में टॉपिक वाइज सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे ठीक है आगे चलते हैं प्रपोजिशन Preposition क्या होता है प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन नाम से क्लियर हो रहा है प्रीपोजिशन यानी yani कि इसकी पहले पोजिशन होगी किससे किसी नाउन या प्रोनाउन से किस लिए टू शो हाउ दैट नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स इन द सेंटेंस क्या डेफिनेशन है इसकी प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज Before a noun or pronoun to show how that noun or pronoun stands in relation with. समिंग एल्स इन देंटेंस क्या कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या पर नाउन से पहले यूज होता है किस लिए उस नाउन या प्रनाउन का बाकी के सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप बताने के लिए ठीक है जैसे मैं इज़ अ काउ इन द गार्डन या मैं लिखूँ, शी इज फोन्ड ऑफ म्यूजिक या मैं लिखूँ, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल अब देखो गार्डन से पहले यूज हो रहा है इन म्यूजिक से पहले यूज हो रहा है ऑफ टेबल से पहले यूज हो रहा है अंडर ठीक है तो ये तीनों ही वर्ड्स क्या है नाउ क्या कह रहे थे कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर और अनाउन पहले यूज हो रहा है नाउन से किस लिए उस नाउन या प्रनाउन का बाकी किसी से रिलेशनशिप बताने के लिए सेंटेंस के बाकी किसी uh, वर्ड से रिलेशनशिप बताने के लिए तो यहाँ पे काओ और गार्डन का क्या रिलेशनशिप है कि काओ गार्डन में है यहाँ पे शी और म्यूजिक का क्या रिलेशनशिप है कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक ठीक है सिमिलरली यहाँ पे टेबल और कैट का क्या रिलेशनशिप है कि दैट कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल तो प्रपोजिशन किसी नाउन या पर के आगे यूज़ हो के उस नाउन या पर का रिलेशन बताती है सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ समझ में आए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आते हैं कंजंक्शन कंजंक्शन हमने काफी डिस्कस किया था बेसिक ग्रामर पार्ट वन में ठीक है पार्ट टू में भी डिस्कस किया था कंजंक्शन uh, क्या होता है कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ठीक है कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लोजिस ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़े या दो फ्रेजेस को जोड़े या दो क्लोजेस को जोड़े उसे क्या बोलते हैं कंजंक्शन चलिए अब हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल करते हैं जैसे मैं बोलू सोनिया and Seema are cousins. तो यहाँ पर ये जो and है किसको join कर रहा है दो words को join कर रहा है इसलिए यहाँ पर and क्या है conjunction. Similarly अगर मैं बोलूँ people's illiteracy and population explosion are two interrelated problems तो यहां पर ये जो एंड है कंजंक्शन किसको ज्वाइन कर रही है दो फ्रेजेस को कौन कौन से पीपल्स इलिटरेसी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ठीक है यहाँ पे दो फ्रेजेस ये फ्रेजेस क्यों हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं पर इनमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है ठीक है तो इसीलिए कि क्या है फ्रेजेस यहाँ पे ये यह कंजंक्शन जो है दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रही है ठीक है नेक्स्ट अब एग्जाम्पल करते हैं क्लोजेस का जैसे मैं सेंटेंस लिखू शी केम टू मीट मी बट I was not at home. She came to meet me, but I was not at home. तो so, she came to meet me sentence का एक part है, अपने अपने meaningful है, तो क्या है main clause, यानी कि independent clause, ठीक है? I was not at home. तो so, इसमें subject भी है, ठीक है? Verb यानी कि predicate भी है? आई वॉज नोट एट होम भी अपने आप में मीनिंगफुल है कम्प्लीट है तो यानी कि ये भी क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि ये वर्ट कैसी कंजंक्शन हुई यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती है तो इसीलिए इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है किस टाइप का सेंटेंस होता है वो कंपाउंड सेंटेंस तो ये सारा कुछ मैंने बहुत थरली डिस्कस किया है इन बेसिक ग्रामर पार्ट टू तो आपको याद होना चाहिए ये याद होगा आई होप ठीक है तो यहाँ पे दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बट कंजंक्शन है दो क्लोजेज़ को ज्वाइन कर रही है क्योंकि सेंटेंस एक ही है कौन सा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस ठीक है तो ये दो क्या है क्लॉज है दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो बट यहाँ पे क्या हुई कंजंक्शन जो जो दो क्लॉज को जोड़ रही है क्लियर हुआ यहीं पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि कनेक्टर्स क्या होते हैं कनेक्टर्स भी ज्वाइनर्स ही होते हैं वो भी ज्वाइन ही करते हैं पर लेकिन वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं ठीक है जैसे कंजंक्शन दो वर्ड्स फ्रेज़ेस एंड क्लॉजेस को ज्वाइन करती है इसी तरह जो कनेक्टर्स होते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं अब आप इसी सेंटेंस को देखिए शी केम टू मीट मी अब मैं यहाँ पे इसको एक ही सेंटेंस न बना के दो ठीक है? तो यहाँ पे मैं बट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा ठीक है? और नया सेंटेंस शुरू हाउएवर से हाईवर आई वॉज नॉट एट होम ठीक है दो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने अलग अलग तो यहाँ पे मैं हावर लगा रही हूँ तो ऐसे में हाईवर क्या कहा जाएगा कनेक्टर क्योंकि ये क्या कर रहा है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ठीक है सिमिलरली एक एग्जाम्पल करते हैं अगर मैं नेक्स्ट पेज पे कुड नॉट कम मैं बीमार uh, so थी इसलिए नहीं आ पाई ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसको दो अलग अलग सेंटेंसेस बनाऊं तो वो कैसे बनेंगे जैसे मैं लिखू रीजन या yeah, That was why. ठीक है आई could नॉट कम ठीक है मैंने फुल स्टॉप लगा के यहाँ पर फिर आगे लिखा आई कूडेंट कम तो यहाँ पे दैट वॉज द रीजन दैट वॉज वाई ठीक है क्या कहलाएगा कनेक्टर क्योंकि ये क्या कर रहा है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है समझ में आया चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है इंटर इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ठीक है जब हम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है हमें तो हम क्या यूज करते हैं इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स कैसे वर्ड्स होते हैं जैसे याहू ये ठीक है और यक वाओ आउच यस नो ओ माय गॉड ठीक है इस तरह के या फिर हुर्रे या फिर और क्या कह सकते हैं हाँ ब्रावो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो क्या है सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले ये वर्ड्स हैं तो ये क्या कहलाते हैं इंटरजेक्शन ठीक है अब जैसे याहू ये पी ये किस को इंडिकेट करता है हैप्पीनेस को ठीक है तो जॉय को इंडिकेट करता है तो जैसे याहू ये पी वी वन द मैच ठीक है सिमिलर्ली हु वी वन द मैच ठीक है ये जो अग और यक हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं ठीक है ठीके? तो ये डिसलाइक को इंडिकेट करते हैं जैसे यक आई एम नॉट गोइंग टू ईट दैट ठीक है तो ये किसको इंडिकेट करता है डिसलाइक को ठीक है सिमिलरली वाओ वाओ जब अपने कुछ अमेजिंग uh, फीलिंग uh, को इंडिकेट करना हो जैसे वाओ वट अ ब्यूटिफुल ड्रेस इट इज़ ठीक है तो वाओ आउच आउच जो है वो पेन को इंडिकेट करता है जैसे आउच दैट रियली हर्ट जैसे हम कहीं टकरा जाए तो एकदम से मुंह से आउच ही निकलता है ठीक है यस यस जैसे यस यू आर राइट ठीक है मतलब जब हम सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर uh, उसको जो वर्ड यूज होता है उसे क्या बोलते हैं इंटरजेक्शन सिमिलरली नो नो आई विल नॉट डू दैट ठीक है ओ माई गॉड दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड मतलब जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो ओ माई गॉड ठीक है हो रहे हम ऑलरेडी डिस्कस कुछ कर चुके हैं नेक्स्ट जैसे uh, ब्रावो ब्रावो जो है वो वेल्डन well के, के लिए कहना होता है जैसे ब्रावो यू डिजर्व द ट्रॉफ़ी ठीक है सिमिलरली ये सारी जो है इंटरजेक्शन है ठीक है अब अब हम एक ऐसा सेंटेंस करते हैं जहाँ ये सारी की सारी जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच एट पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस की वो यूज़ हो रही हो ठीक है मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ वेल आई एंड माई यंग डॉटर गो टू चर्च डेली सेंटेंस है वेल आई एंड माई यंग डॉटर गो टू चर्च डेली ठीक है तो वेल वेल well, यहां पर क्या है इंटरजेंशन ठीक है आई यहां पर क्या है प्रोनाउन एंड यहां पर क्या है कंजंक्शन डॉटर यहाँ पे क्या है नाउन उस डॉटर को फर्दर कौन मॉडिफाई कर रहा है यंग डॉटर के बारे में बताया जा रहा है ठीक है यंग डॉटर तो यंग क्या हुआ एडजेक्टिव आगे फर्दर माई भी किसे क्वालिफाई कर रहा है डॉटर को किसकी डॉटर मेरी डॉटर तो माई जो है भी क्या हुआ एडजेक्टिव माई कौन सा एडजेक्टिव हुआ ये प्रोसेशन को इंडिकेट कर रहा है किसकी डॉटर मेरी डॉटर तो माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो आप इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हो ठीक है इस टॉपिक पे मैं थोड़ी देर में आती हूँ आप इसको एक बार नोट कर लो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो डिटर्मिनर भी बोल सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं गो गो यहाँ पे क्या है वर्ब है टू यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन है चर्च क्या है यहाँ पे अगेन नाउन डेली क्या है डेली किसके लिए यूज़ हुआ है गो के लिए बता रहा है कि हम चर्च कितना जाते हैं डेली जाने को बता रहा है कि जाने की फ्रिक्वेंसी क्या है डेली तो डेली क्या हुआ एडवर्ब कौन सा एडवर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी समझ में आया तो ये एक ऐसा सेंटेंस मैंने लिखा है जिसमें एट की एट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रही हैं आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि uh, वर्ड्स को कैसे डिवाइड uh, किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी ठीक है क्लियर हो गया चलिए आगे चलते हैं अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट में डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है जो हमने शुरू में ही पहले ही डेफिनेशन में डिस्कस किया था द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस डिसाइड्स विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज जो रोल एक वर्ड सेंटेंस में प्ले करेगा वही डिसाइड करेगा कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जैसे एग्जाम्पल करते हैं ऑल का एग्जाम्पल करते हैं ऑल वर्ड में लिख रही हूं ठीक है जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स Are present in the class. Okay. Next, she was dressed, she was dressed all in black. Similarly, Agarme likhu शी गेव हर ऑल टू हर चिल्ड्रन इन फोर सेंटेंसेस को देखिए यहाँ पे ये जो ऑल वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स क्या है नाउन जो वर्ड नाउन के लिए यूज उस हो उसे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव ठीक है adjective. ये कौन सा एडजेक्टिव है Adjective of number. Adjective of number में भी आगे फर्दर कौन सा इंडेफिनेट नंबर क्लियर नहीं हो रहा है कितने ऑल ऑल में हमें ये तो क्लियर नहीं है ना स्पेसिफिकली कितने यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखा ना ट्वेंटी स्टूडेंट्स ठीक है इसलिए ठीक है तो यहाँ पे ऑल क्या है एड्जेक्टिव है सिमिलरली आप इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हो तो मैंने बिल्कुल शुरू में बोला था कि ट्रेडिशनल ग्रामर में एट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ठीक है पर लेकिन मॉडर्न ग्रामर में नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले जाते हैं क्योंकि मॉडर्न ग्रामर में जो डिटर्मिनर्स को है वो अलग कंसीडर किया गया है फ्रॉम एडजेक्टिव्स बट ट्रेडिशनल ग्रामर में क्योंकि डिटर्मिनर्स एग्जैक्टली एडजेक्टिव वाला ही काम करते हैं एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों ही जो है वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं ठीक है तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होते हैं बस ए एंड द जो आर्टिकल्स हैं वो एडजेक्टिव में कवर नहीं होते वो डिटर्मिनर की एक टाइप है इस टॉपिक पे हम बाद में आते हैं डिटर्मिनर आर्टिकल्स ऑल दैट ठीक है वो हम बाद में करेंगे फिलहाल मैं ऑल की डिस्कशन कर रही थी कि ऑल यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है चाहे आप इसको डिटर्मिनर बोल लो चाहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोल लो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. सेम बात है चलिए आगे यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से ऑल मतलब सारे ही प्रेजेंट हैं इन द क्लास तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है पर लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्टली नाउन के आगे यूज़ हो रहा है इसलिए एडजेक्टिव है ठीक है यहाँ पर ये एग्जैक्टली नाउन के आगे यूज़ नहीं हो रहा इसलिए ये क्या है प्रोनाउन है ठीक है कौन सा प्रोनाउन है इंडेफिनेट प्रोनाउन बात समझ में आई ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक और एग्जांपल समझाती हूँ दिस इज माई पेन इज माइन आप इन दोनों वर्ड्स को देखो दोनों पोसेशन को ही तो इंडिकेट कर रहे हैं ठीक है ठीके? कि पेन मेरा है पेन मेरा है, यही तो कह रहे हैं पोसेशन को इंडिकेट कर रहे हैं पर यहाँ पे एग्जेक्टली पेन के पहले यूज हो रहा है यानी नाउन के पहले यूज हो रहा है तो ये क्या है एडजेक्टिव है कौन सा एडजेक्टिव है पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव पर यहां पर ये एग्जैक्टली पेन से पहले नहीं आ रहा ठीक है बाद में यूज हुआ है इसलिए ये क्या कहलाएगा पोजेसिव प्रोनाउन ठीक है यही बात मैं यहाँ पे समझा रही थी यहां पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है यहां पे एज प्रोनाउन नेक्स्ट आते हैं शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक ठीक है वो सारी कैसे ड्रेस थी ब्लैक में ठीक है तो ये ये जो ऑल वर्ड है वो किसे मॉडिफाई कर रहा है ड्रेस्ड को ड्रेस्ड क्या है यहाँ पे वर्ब जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या होती है एडवर्ब तो यहाँ पे ऑल कैसे यूज हो रहा है एज एडवर्ब ठीक है जिसका मीनिंग है कंप्लीटली ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस हर ऑल टू हर चिल्ड्रन उसने अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया. सब कुछ मतलब everything. Thing मतलब noun. तो यानी कि यहां पर all word कैसे use हुआ है as noun. तो आपने देखा कि ऑल वर्ड ऊपर एडजेक्टिव यूज हो रहा था नीचे प्रोनाउन यूज हो रहा था इस सेंटेंस में as adverb use हो रहा था, और इस सेंटेंस में एज नाउन यूज हो रहा है तो इससे क्या समझाया जा रहा है इससे ये समझाया जा रहा है कि द रोल अ वर्ड प्लेज इन अन्टेंस डिसाइड्स विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज एंड इट विल वेरी फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस ठीक है तो हम ये पहले ही फिक्स नहीं कर सकते कि ये वर्ड एडजेक्टिव है ये वर्ड एडवर्ब है और ऐसा तो याद रखना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये एज एडजेक्टिव भी काम करता है एज एडवर्ब भी काम करता है एज नाउन भी काम करता है ठीक है तो इसीलिए हम सेंटेंस पढ़ के ही बता सकते हैं कि कोई वर्ड वहां पर कैसे यूज हुआ है ठीक है सेंटेंस में जो वो रोल प्ले करेगा वही डिफाइन करेगा कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ठीक है चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं जैसे आफ्टर है अब मैं सेंटेंसेस लिखूंगी और आप मुझे बताओगे कि Uh, कौन से सेंटेंस में आफ्टर कैसे यूज हुआ है जैसे सेंटेंस है नेक्स्ट चलिए हर सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि आफ्टर जो है वो कैसे यूज हुआ है सोचिए सोचिएस रीप द कॉन्सिक्वेंसेस इन आफ्टर लाइफ ठीक है तो यहाँ पर लाइफ नाउन है लाइफ को फर्दर डिफाइन कर रहा है कौन सी लाइफ बाद की लाइफ ठीक है तो यहाँ पर आफ्टर वर्ड कैसे यूज हुआ जो चीज नाउन को क्वालिफाई करे नाउन को और मॉडिफाई करे उसे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव तो यहाँ पर आफ्टर कैसे यूज हुआ है एज एडजेक्टिव रवि केम आफ्टर हर ठीक है रवि उसके पीछे पीछे आ गया तो यहाँ पर ये यह जो हर है Uh, क्या है प्रोनाउन ठीक है आफ्टर कैसे यूज हुआ है प्रोनाउन से पहले यानी कि कैसे यूज हुआ है एस की यही तो डेफिनेशन डिस्कस की थी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है किस लिए उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी पार्ट से रिलेशनशिप बताने के लिए ठीक है तो रवि केम आफ्टर हर तो आफ्टर यहाँ पे क्या है प्रेपोजिशन है जो सेंटेंस के बाकी पार्ट से उसका रिलेशनशिप बता रही है ठीक कि रवि उसके पीछे पीछे आ गया ठीक है तो यहाँ पे रवि और उसके में जो रिलेशनशिप को बताया जा रहा है वो किसकी हेल्प से बताया जा रहा है प्रेपोजिशन आफ्टर की हेल्प से ठीक है नेक्स्ट ही वेंट आफ्टर दे हैड लेफ्ट ठीक है वो गया उनके जाने के बाद ठीक है तो यहाँ पर आफ्टर कैसे यूज हुआ है ही वेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है मीनिंग क्लियर हो रहा है आफ्टर दे हैड लेफ्ट आफ्टर दे हैड लेफ्ट वॉट क्लियर नहीं हो रहा मीनिंग ठीक है जब हम इसके साथ मिला के पढ़ते हैं तो मीनिंग क्लियर है है ना तो आफ्टर यहाँ पे कैसे यूज हुआ है एस कंजंक्शन ठीक है तो आफ्टर यहाँ पर एस कंजंक्शन यूज हुआ है अच्छा एक से बताओ जब यहाँ पे आफ्टर दे आफ्� आफ्टर दे लेफ़्ट क्यों नहीं आया हेड क्यों आया ये मैंने एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर्स में डिस्कस किया था वहाँ पे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे मैंने रूल डिस्कस किया था कि जब पास में एक के बाद एक एक्शन हो एक एक्शन पहले हो एक एक्शन बाद में हो जो एक्शन पहले, हो, पहले होता है उसमें पास परफेक्ट यूज होता है और जो एक्शन बाद में होता है उसमें पास सिंपल यूज़ होता है तो पहले बताओ पहले वो गया कि पहले ये गए ये गए हैं He went after. ये बाद में गया है पहले ये गए इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है पास परफेक्ट इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है Past simple. Came soon after. तो इस sentence में ये जो after word है, वो किसे मॉडिफाई कर रहा है सून को ठीक है सून भी आगे क्या बता रहा है ठीक है सून भी क्या है सून भी एडवर्ब है एडवर्ब कौन सा है एडवर्ब ऑफ टाइम है कैसे दे केम कैसे आ गए सून ठीक है सोन जस्ट बाद में ही वो आ गए दे केम सोन आफ्टर ठीक है तो यहाँ पर सोन जो है वो भी एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि केम वर्ब uh, को क्वालिफाई कर रहा है फर्दर जो आफ्टर है वो भी किस को क्वालिफाई कर रहा है सून को ही ठीक है तो जो वर्ड एडवर्ब को क्वालिफाई करता है उसे भी क्या बोलते हैं एडवर्ब ही बोलते हैं ठीक है ठीके? कि दे केम सोन आफ्टर वो जस्ट बाद में आ गए ठीक है तो यहाँ पे ये क्या है एडवर्ब तो आपने नोटिस किया कि आफ्टर जो है इस सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में एज प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में एज कंजंक्शन यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में एज एडवर्ब यूज़ हो रहा है तो यानी कि हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये वर्ड यही है इट विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस और इतना तो क्रैम करना भी पॉसिबल नहीं है कि आफ्टर uh, वर्ड ऐसे भी यूज़ होता है ऐसे भी यूज़ होता है ऐसे भी यूज होता है ठीक है तो हम सेंटेंस पढ़ के ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो वर्ड पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और यही सीरियस के एग्जाम में पूछा जाता है एक सेंटेंस आएगा उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड होगा और आपको बताना होगा कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ठीक है चलिए मैं अभी बात कर रही थी मॉडर्न ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर की ट्रेडिशनल ग्रामर में जो एट पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर किए जाते हैं उसमें जो डिटर्मिनर्स होते हैं सारे के सारे डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स के अंडर ही कवर किए जाते हैं इसलिए उसमें एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है पर मॉडर्न ग्रामर में डिटर्मिनर्स को अलग पार्ट ऑफ स्पीच माना गया है नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच ठीक है क्योंकि जो ए एन द है यानी कि आर्टिकल्स ठीक है आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स की एक टाइप है ठीक है इसलिए आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव्स में कवर नहीं होते अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर ए एन दा को छोड़ के बाकी के सारे जो जितने भी डिटर्मिनर्स हैं वो एडजेक्टिव के अंडर कवर होते हैं इसलिए सेपरेट कैटेगरी नहीं बनाई एडजेक्टिव्स के अंडर ही कवर हो गया ठीक है पर लेकिन मॉडर्न ग्रामर में सेपरेट सेपरेट कैटेगरी है नाइन्थ कैटेगरी दैट इज़ डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स जो हैं वो डिटर्मिनर्स की एक टाइप है ठीक है पर इसके अलावा भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जनरली मतलब ऐसे एट और नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर नहीं डिफाइन की जाती पर लेकिन फिर भी वर्ड्स उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो वो कैसी कैटेगरीज हैं जैसे आर्टिकल्स हो गया ठीक है मॉडल्स हो गए न्यूमरल्स हो गए और डिटमिनर्स इन्हीं कैटेगरीज़ को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले जिनमें अकेले चलने और कुछ अलग कर गुजरने का हौसला होता है एक दिन काफिला भी उन्हीं के पीछे होता है